तो क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो रे ऑप्टिक्स का एक नया लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दे, विच मैग्नीफाइज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दे, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो क्या बिना माइक्रोस्कोप के भी आप छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हो? हाँ, देख सकते हो, वो भी अपनी नेकेड आई से। तरीका क्या है? उस ऑब्जेक्ट को आप अपनी आईज के पास ले आओ, ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। जरा करके देखो, अपनी ये फिंगर लो, ऐसे सामने रखो और इसको धीमे धीमे आंख के पास लाओ। ये फिंगर बड़ी हो जाएगी धीमे धीमे, ऐसा लगेगा और बड़ी और बड़ी। लाओ पास, वैसे और पास आपस बड़ी बड़ी लगी। बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जैसे 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 पास ला रहे हो बड़ी तो हो रही है। जैसे इसमें ये भी समझ लो, मान लो कि इस मार्कर पे छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, मार्कर पे छोटी चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही। पास लाए दिखने लगी। क्यों? क्योंकि बड़ा होता जा रहा है। दिख रही। यहाँ से ये धुंधली हो गई, ब्लर हो गई। यही फिंगर में भी होगा, पास लाओ, बड़ी हो रही, अचानक से ब्लर हो गई। यानी नेकेड आई से एक लिमिटेशन है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाते लाते बढ़ता तो है, साइज तो बढ़ता है, और उसके पास लाने पे ब्लर हो जाता है। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए उसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर बिना माइक्रोस्कोप के कोई ऑब्जेक्ट बड़े से बड़ा देखना है नेकेड आई से अपनी सिर्फ, तो उस ऑब्जेक्ट को आप अपनी आंख के पास लाते जाओ और कहां पे रख लो? 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर से पास लाने पे वो ब्लर हो जाएगा। जरा करके देखना, इसे पास लाना, कोई ऐसा छोटी ऐसा ले लेना जिसमें छोटी राइटिंग हो, उसको पास लाना, दिखता है बड़ा हुआ, फिर उसके बाद वो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं कि विथ नेकेड आई, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इग्नोर मत करो, बहुत यूज होगा भी माइक्रोस्कोप में। विथ नेकेड आई टू सी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली वी bring it close to our eyes। उसको हम पास लेके आएंगे, पास लाते जाओ ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? However, there is a minimum distance। There is a minimum distance up to which the object can be viewed distinctly, distinctly। This minimum distance is called least distance of distinct vision। शायद पढ़ रखा हो आपने पहले भी, बड़ा इंपॉर्टेंट था पर ये बताना आपको। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। लीस्ट सबसे कम, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट जहां तक साफ दिखाई पड़े। और एक एवरेज ह्यूमन के लिए, ठीक है, अब एवरेज ह्यूमन में आप थॉर वॉर को मत ले लेना, है ना, आयरन मैन को मत ले लेना, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। अब डेफिनेटली अलग अलग एज ग्रुप पे अलग होगी, है ना, दादाजी आदाजी होंगे उनके लिए 50 सेंटीमीटर हो जाता है, उनको और पास नहीं ला सकते ना, उनके लिए दूरी बढ़ जाती है, है ना। तो अलग अलग इंसान का अलग अलग है, बट एक एवरेज वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हमने बताया कि बिना माइक्रोस्कोप के भी आप ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हो। कैसे? ऑब्जेक्ट को आंख के पास लाके। पर मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक। उसके पास लाओगे तो फिर वो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो ह्यूमन आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से क्लोज को साफ नहीं देख पाती।
इसको बोलते हैं नियर पॉइंट. क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट. इससे नियर आप नहीं जा सकते. ऐसे एक फार पॉइंट होता है. तो ह्यूमन आई के लिए, एवरेज ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट लिया गया इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी तक देखो. एक्चुअली इन्फिनिटी मतलब जहां तक देख पा रहे हो उसको इन्फिनिटी. एक होता है फार पॉइंट इन्फिनिटी पे, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे. तो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती है. ठीक है, जैसे मान लो ये ह्यूमन आई है, तो यहां से शुरू करो, हमको इन्फिनिटी तक सब दिखेगा. और कहां तक? 25 सेंटीमीटर. इसको बोला इन्होंने क्या? नियर पॉइंट. और इसको बोला क्या? फार पॉइंट. ठीक है, तो हमें इतना रीजन दिखाई पड़ता है, इतना रीजन ये हमें दिखाई नहीं पड़ता. ठीक है, क्या हम बात ही करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देखना हो तो उसको आप 25 सेंटीमीटर पे ले आओ. यहां पे वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के साथ दिख रहा है, उससे भी ज्यादा मैग्निफाई करना है, देन यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप. जरा इसको नोट करें, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर ले बेटा रे. ओके चलो ये बात हुई. अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म समझाने जा रहे हैं जो पूरे माइक्रोस्कोप में और इवन टेलीस्कोप में भी आपके काम आएगा. नेक्स्ट लेक्चर टेलीस्कोप में आएगा. और वो टर्म है विजुअल एंगल. विजुअल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हेडिंग लगाएं विजुअल एंगल. ठीक है, क्या होता है? एक डायग्राम बनाते हैं. मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां हम ह्यूमन आई बना लेते हैं. ये गोला हमने बना लिया ह्यूमन आई, है ना. अब ये ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर जो एंगल सबटेंड करता है, आपकी आईज पर जो एंगल ये सबटेंड करेगा, उसी को हम बोलेंगे विजुअल एंगल. ये दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल. एंगल सबटेंडेड, या मैं इसके लिए लिख देता हूं फॉर्मड बाय ऑब्जेक्ट एट आई. ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट मान लो. एक चीज और आपको बतानी है कि आज से हम ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे विजुअल एंगल की. जो ऑब्जेक्ट बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड करेगा उसकी हाइट ज्यादा होगी. ये क्या बात हुई? अच्छा चलो सोचते हैं. अच्छा, कोई चीज हमें दिखाई क्यों पड़ती है ना? क्योंकि वो हमारे रेटिना पे अपनी इमेज बनाता है. भाई कोई भी चीज हमें दिखाई पड़ती है क्योंकि हमारी आंख की स्क्रीन पे उसकी इमेज बनती है. अच्छा, यहां से रेज ऑफ लाइट आई और ये गई रेटिना पे. ठीक है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो गया. ये बन गई इमेज. ठीक, अब सोचो अगर ये थीटा बड़ा हो तो क्या इमेज भी बड़ी बनेगी? अगर ये थीटा बड़ा हो तो क्या इमेज भी बड़ी बनेगी? और थीटा बड़ा कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट ऑल लंबा हो, है ना. यही ऑब्जेक्ट ऑल लंबा होता यहां पे होता तो थीटा बड़ा हो जाता और उसकी इमेज भी बड़ी हो जाती. कुछ बात समझ में आ रही है? हम ये बता रहे हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विजुअल एंगल के. कोई चीज हमें उतनी ही बड़ी दिखती है जितना बड़ा वो विजुअल एंगल आंख पर बनाती है. ठीक है, आंख पे जो चीज जितना बड़ा विजुअल एंगल बनाएगी हमें वो चीज उतनी बड़ी दिखाई पड़ेगी. अब पता नहीं वो उतनी बड़ी है कि नहीं, नहीं समझे. जैसे इसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर पास ले आऊं, इसी ऑब्जेक्ट को मैं पास ले आऊं, सेम ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इसी सेम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ जाऊं, देखो इसका विजुअल एंगल बढ़ गया. अब यही ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा. यही मैं बता रहा था, आप जैसे जैसे इसको पास ला रहे थे ऑब्जेक्ट बड़ा होता जा रहा था. क्यों? क्योंकि ये विजुअल एंगल बड़ा बना रहा है. इसकी जो इमेज बनेगी रेटिना पे, आंख की स्क्रीन पे जो इसकी इमेज बनेगी, ये देखो ये ऐसे आएगा, वो और बड़ी बनेगी. क्लियर है? तो सारा खेल विजुअल एंगल का है. जितना बड़ा एंगल आंख पे सबटेंड कर दोगे उतना बड़ा वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा. एंगल बढ़ाने का दो तरीका है, एक तो भाई ऑब्जेक्ट ही बड़ा ले लो और दूसरा क्या कर लो, विजुअल एंगल बढ़ा दो. कैसे? ऑब्जेक्ट को पास लाके, है ना. तो नेकेड आई में तो भाई इतना ही कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आओ, 25 सेंटीमीटर पे ले आओ, उस टाइम विजुअल एंगल मैक्सिमम होगा.
नेकेड आई के लिए अगर आपको सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट उठाकर कहाँ ले आओ, 25 सेंटीमीटर पे ले आओ, उस टाइम जो विजुअल एंगल बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो विजुअल एंगल जरा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप है ना, इसका काम ही यही है, विजुअल एंगल को बढ़ा दो। इस एंगल को बढ़ा दोगे अपने आप ऑब्जेक्ट बड़ा लगने लगेगा। माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना देगा इससे बड़ी, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज इससे बड़ी, और वो इमेज फिर एक बड़ा विजुअल एंगल बनाएगी जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई पड़ेगा। कंफ्यूज मत हो, अभी धीमे धीमे आएगा, अभी बहुत टेंशन मत लो, इतना नोट करो बस, विजुअल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। जितना बड़ा विजुअल एंगल है उतनी ज्यादा हाइट होगी, इतना समझ ही नहीं आ रहा है, अभी ये हाइट बड़ी होती विजुअल एंगल बड़ा होता, और जितनी बड़ी हाइट होगी उतना बड़ा विजुअल एंगल उतनी बड़ी उसकी इमेज आंख पे बन गई। ठीक, बहुत बढ़िया, अभी ज्यादा मत सोचो, आओ आओ, अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप या मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यार लेंस में जो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े थे वो तो बड़ा आसान था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही था। यहां ऐसा नहीं है, यहां विजुअल एंगल के टर्म्स में फॉर्मूला लिख देते हैं फिर समझाते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लो फिर समझाते हैं। विजुअल एंगल formed by final image divided by visual angle formed by object kept at D। जरा नोट करो पहले, visual angle formed by फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्मड बाई ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी, इसको हम बीटा अपॉन अल्फा भी बोलेंगे। नोट करें, बीटा अपॉन अल्फा, एच आई बाई एच ओ का कंसेप्ट यहाँ चला जाएगा। यहाँ मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला है, विजुअल एंगल फॉर्मड बाई फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्मड बाई ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी बीटा बाई अल्फा। अब देखो ये क्या, नीचे क्या बता रहे, नीचे बता रहे कि नेकेड आई से जितना बड़ा देखना हो देख लो। भाई नेकेड आई से सबसे बड़ा कब दिखेगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, डी पे, डी मतलब 25 सेंटीमीटर में। पहले उन्होंने कहा नेकेड आई से जितना बड़ा देख सकते हो देख लो, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख लो, जितना बड़ा विजुअल एंगल बना सकते हो बना लो। ये तो मैग्निफिकेशन हो गया नेकेड आई से। अब इससे कितने गुना बढ़ा दिया माइक्रोस्कोप ने, माइक्रोस्कोप ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाई और उस इमेज का अब आप विजुअल एंगल देख रहे हो, विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज। जैसे मान लो नेकेड आई पे 25 सेंटीमीटर पर रख के ऑब्जेक्ट को, 25 सेंटीमीटर पर रख के ऑब्जेक्ट को मान लो विजुअल एंगल बन रहा है 5 डिग्री। फिर माइक्रोस्कोप ने क्या किया कि इसी ऑब्जेक्ट की एक बड़ी सी इमेज बना दी जो विजुअल एंगल बना रहा है सपोज कर लो 10 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा। चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, फॉर्मूला यही यूज होगा, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही। पहले आप विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रखो कितने डिस्टेंस पे, डी, है ना, कि नेकेड आई से जितना बड़ा देखना हो पहले देख लो, फिर इससे कितने गुना बढ़ा सकता है माइक्रोस्कोप हम ये देखेंगे। समझ में आ, पहले नेकेड आई से देख लो 25 सेंटीमीटर रख के, ठीक है 5 डिग्री का एंगल बना रहा, हाँ ठीक है, अब माइक्रोस्कोप इससे भी कितने गुना बढ़ा सकता है। तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इसकी एक इमेज बना देगा बड़ी सी जो कि बड़ा विजुअल एंगल बनाएगी। ठीक है, नोट कर लिया, चलो धीमे धीमे चलते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसको एकदम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप को मिलाकर ही कंपाउंड बनता है। इसके सारे फॉर्मूले हम कंपाउंड में यूज करेंगे एज इट इज, तो इसको एकदम पकड़ लेना सिंपल माइक्रोस्कोप को। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, भारी भरकम नाम, अंदर कुछ नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस का वो केस याद करो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, याद है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, बड़ा स्पेशल केस था, भूल नहीं सकते आप, बड़ा स्पेशल केस था कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनती थी। चलो बना के देखते हैं डायग्राम। यहां पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया,
ये बना ली प्रिंसिपल एक्सिस। यहां मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ए बी और उसकी हाइट को बोलेंगे एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। हमने ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, इसका फोकस कहीं इस तरह, फर्स्ट फोकस यहां, मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब इसकी इमेज बनानी है, क्या करेंगे, इधर भी एक फोकस बना लेते हैं, सेकेंड फोकस, एक रे लाएंगे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास कर जाएगी वो फोकस से, और एक रे पास करा देंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से। फिर हम देखेंगे ये दोनों रेज आगे कहीं नहीं मीट कर रही, ये कैसी रेज है, आगे जाने पे हमने देखा कि ये डाइवर्जिंग रेज है, हमने देखा है कैसी रेज बन रही है, देखो इनमें डिस्टेंस कम है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डाइवर्जिंग रेज है जो कि नेवर मीट, याद आ गया केस, इस केस में इमेज कहां बनेगी, इन रेज को पीछे प्रोड्यूस करके यहां पर, याद आया ये केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ and O, object is between F and O, virtual, erect and magnified image is formed. इस रे को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं और इस रे को भी हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, यहां कहीं दोनों रेस मीट की, पीछे जाके थोड़ा डार्क किया जाए और यहां इमेज बनेगी, इसको हम बोलेंगे A dash, इसको बोलेंगे B dash, चाहो तो बोल लो height of image, वैसे हम इसका कोई use नहीं है, और यहां से हम situation को देखेंगे, ये आंखें, यहां से हम इसको observe करेंगे, बोले यहां तक समझ में आया कि हमने एक object रखा, object कहां रखना है, between F and O, यहां कहीं focus है, बनाया नहीं मैंने, first focus, वो second focus है, फिर हमने object से एक ray ली parallel, किसे पास की focus से, एक optical center से undeviated, डाइवर्जिंग रेस कभी मीट नहीं करेगी, पीछे जाके मीट की और बन गई हमारे पास एक वर्चुअल सीधी इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का काम है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस, दिमाग में डाल लो, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है, जो आपके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कई बार आपने लिया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, आप क्या करते हो, आप उसमें ऐसे कॉपी में कुछ लिखा होता है उस पे ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हो, बड़ा हो जाता है और उल्टा नहीं होता, सीधा ही रहता है ना, आपने मान लो ये अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, ये कॉपी में कुछ लिखा है, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास जब कॉपी के पास ले जाते हो तो कॉपी पे लिखा जो भी अक्षर है वो ऑब्जेक्ट है, वो कहां पड़ गया, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स फोकस, ये मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास है, कोशिश करता हूं मैं, ये मान लो कॉपी है, इस पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे लिखा है अंकित लव श्वेता मैंने पता कौन है, ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला, और आप ये लेके आया हो, तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो यही है और इसकी फोकस कहीं इधर आ रही होगी, थोड़ा सा तो नीचे जाएगी फोकस, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो राइटिंग है अंकित लव श्वेता, ये कहां आ गया बिटवीन एफ एंड ओ, और इसकी अब मैग्नीफाइड इमेज आपको यहीं पे दिखाई पड़ती है, ऐसा नहीं कि इसके कोई इन्वर्टेड इमेज बनती है, वही बड़ा होके आपको सीधा ही दिखता है ना, तो ये केस, ये समझ लो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, ये समझ लो आपकी कॉपी है, और ये उस ऑब्जेक्ट की जो भी लिखा था वहां पे ए लिखा था, ए बड़ा हो गया ऐसे दिख रहा, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं अपने मैग्नीफाइंग पार के फॉर्मूले पे या मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा क्या था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, फाइनल इमेज ऑन द आई, जरा याद करते हैं, बीटा क्या था, विजुअल एंगल formed by final image, visual angle formed by final image, तो ये final image है, ये आई पे क्या एंगल बना रही, मेरे ख्याल से ये एंगल बना रही, इसको हम बोलेंगे बीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा, हमें ये बीटा चाहिए, ठीक। अच्छा, तो यार बीटा तो नहीं, tan बीटा मिल सकता है, tan बीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो वी कैन फाइंड tan बीटा, tan बीटा को हम क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर एक मिनट, क्या हम दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हैं,
भाई देखो आंख ये है, आंख पे यही एंगल बन रहा है, इस पे कोई डाउट नहीं है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड ऑन द आई। चाहो तो ये अपॉन ये लिखो, चाहो तो ये अपॉन ये, तो हम ये अपॉन ये लिख लें। इमेज की हाइट हमको पता ही नहीं वैसे भी, ऑब्जेक्ट तो हमें पता है ना ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है, तो हम दिस अपॉन दिस। अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो थोड़ी देर के लिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलेंगे यू ई। ई क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मुझे इसका यूज है, तो मैंने यू ई बोल दिया। ई के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आई के पास है, ठीक है, तो आई से पास से मैंने ई निकाल के लिख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने यू ई बोल दिया, कोई दिक्कत, कई किताब में यू ओ लिखा होता है बट वो आगे के लिए अच्छा नहीं है, कंपाउंड के लिए याद रखो यू ई। चलो अच्छा ठीक है, बहुत बात है। tan beta is perpendicular by this, no, perpendicular by this, so we can write tan beta is ho by ub। अच्छा अब आप माइक्रोस्कोप यूज किस लिए करते हो, हाथी को देखने के लिए? बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, मच्छर को देखने के लिए। तो यानी ये जो हाइट है ये बहुत छोटी है, अगर बच्चों की हाइट बहुत छोटी होगी तो बीटा बहुत स्मॉल एंगल होगा, सो यू कैन से बीटा इज वेरी स्मॉल। इससे आप क्या देखोगे, चीटी तो देखो, छोटी चीज देखोगे, तो ये एक्चुअली तो बहुत छोटा होगा ना, सोचो ऐसे, तो ये जो बीटा एंगल बन रहा होगा एक्चुअल में दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल ये एंगल। और आपको पता है जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टैन एंगल एंगल के बराबर होता है, यानी टैन बीटा बीटा के बराबर है, सो वी कैन से टैन बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, सो यू कैन ऑल्सो राइट बीटा इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन टैन बीटा, और बीटा करीब करीब बराबर है, गिविंग द रीजन कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है माइक्रोस्कोप के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए तो हम इसको यूज करते हैं तो एंगल बहुत छोटा होगा। चलो बीटा की कहानी खत्म, अब आते हैं अल्फा की कहानी पे, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा की कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा क्या था, विजुअल एंगल सबटेंडेड, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट kept at D, समझो बात को, विजुअल एंगल formed by object नहीं है, formed by object kept at D, उसमें माइक्रोस्कोप का कोई यूज नहीं करना है। जब आप अल्फा निकाल रहे हो उस टाइम माइक्रोस्कोप का कोई यूज नहीं करना है, अल्फा मतलब बिना माइक्रोस्कोप के आप कितना बड़ा देख सकते हो, तो बिना माइक्रोस्कोप के हम सबसे बड़ा तब देख सकते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट ए बी आंख से कितने डिस्टेंस पे हो, मेरे ख्याल से डी डिस्टेंस पे हो, वही तो लिखा है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट। ये तो हम करते हैं बीटा अपॉन अल्फा, पहले देख लो आंख से कितना बड़ा देख सकता है, फिर उससे कितने गुना इसने बढ़ाया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बीटा अपॉन अल्फा, पहले देख लो आंख से नेकेड आई से आप कितना बड़ा मैक्सिमम देख सकते हो, कब देख सकते हो जब डी पे रखेंगे, फिर बीटा, बीटा क्या है कि उसकी इमेज ने क्या विजुअल एंगल बनाया। यहां पे आएंगे तो आप यहां से बोलोगे दिस एंगल इज अल्फा, आप बोलोगे दिस एंगल इज अल्फा, गिविंग द रीजन अल्फा इज स्मॉल, टैन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, यहां से आपको मिल जाएगा टैन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू एच नॉट बाय डी। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कैमरे में, बिल्कुल साफ साफ, टैन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा एच नॉट बाय डी, रीजन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। तो इस तरह से आपको अल्फा भी मिल गया है, आपको बीटा भी मिल गया है, क्या हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सो लेट्स गो टू मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फा, सो मैग्निफिकेशन विल बी बीटा कितना है एच नॉट बाई यू ई, ये एच नॉट बाई डी, सो एच नॉट बाई यू ई डिवाइडेड बाई एच नॉट बाई डी, एच नॉट कैंसिल, यहां से आपको मिलेगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी बाई यू ई, नोट करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई कुछ नहीं है, डी बाई यू ओ भी लिखा है किताबों में, डी बाई यू भी लिखा है किताबों में, मैंने यू ई बोल दिया है, ई क्यों बोल दिया क्योंकि आई के पास है, ठीक, नोट, डी बाई यू ई, दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छे से पकड़ लो, क्या ये फॉर्मूला आपको फील हुआ, बीटा अपॉन अल्फा क्या है, नीचे आप देख रहे हो कि नेकेड आई से आप कितना बड़ा देख सकते हो ऑब्जेक्ट को, नेकेड आई के लिए 25 सेंटीमीटर पे रख लो, सबसे बड़ा दिख गया, रख लिया, अब इससे कितने गुना बढ़ा सकता है इंस्ट्रूमेंट, तो क्या किया भाई इंस्ट्रूमेंट ने, क्या किया इसकी एक इमेज बनाई बड़ी सी, और उस इमेज ने जो एंगल बनाया
वो बताएगा कितना बड़ा ये दिख रहा होगा भाई, विजुअल एंगल ये तो है, जितना बड़ा विजुअल एंगल होता है तो ऊपर बीटा, नीचे देख लिया कितना बड़ा ये एंगल बना सकता है ऑब्जेक्ट, फिर ऊपर देखा उसकी इमेज कितना बड़ा एंगल बना सकती है, पर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ये नहीं लेना डी, समझ रहे हो? ये कहानी अलग चल रही है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, नोट करें, थोड़ा आराम से ठंडी सांस लें इसको समझें, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आपको हमें इसमें दो इंपॉर्टेंट केस समझाने, इसके अंदर क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया डी बाई यू ई, अब इसके दो इंपॉर्टेंट केस समझाने हैं आपको, एम इज इक्वल टू डी बाई यू ई के दो इंपॉर्टेंट केस। केस वन, अब हम कह रहे हैं जो मैग्निफिकेशन है वो भी मैक्सिमम हो, हमें चाहिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किसी भी कीमत पर। अब सुनना ध्यान से बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ये जो इमेज बन रही है इसका जो विजुअल एंगल बन रहा है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तभी तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा भाई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आप देखो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बीटा अपॉन अल्फा, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए बीटा को भाई अल्फा तो फिक्स हो गया है, अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा से कहां छेड़खानी कर पाओगे भाई। अल्फा क्या था कि एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, ये था अल्फा, तो अल्फा में तो दोनों टर्म कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी कांस्टेंट है, डी तो 25 सेंटीमीटर, तो अल्फा तो चेंज नहीं हो सकता ना। You see, what is alpha? Alpha is but h naught by d. Visual angle subtended by object kept at d. इसका मतलब definition यही है। तो ना ही object की height change होगी, ना ही d change होगा। मतलब जो भी करना है beta के साथ करो। तो अगर maximum magnification सबसे बड़ा देखना चाहते हैं, तो हमको beta बड़ा करना होगा। अच्छा, beta बड़ा कैसे होगा? जब ये जो image बन रही है, ये 25 centimeter पे बने। देखो अल्फा का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं, पहले बात समझो, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला एंगल अल्फा होगा, ऑब्जेक्ट तो ये एंगल बना रहा नहीं, अल्फा बिना माइक्रोस्कोप का एंगल है, अल्फा ये कहता है कि बिना इंस्ट्रूमेंट यूज किए कितना बड़ा देख सकते हो, अल्फा का इस कहानी से कोई लेना, जैसे मैं अभी जब छोटा था सोचता था कि अल्फा होना चाहिए विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये वाला नहीं, अल्फा का इस कहानी से कोई लेना नहीं, अल्फा अलग कि ऑब्जेक्ट जब डी पे रखा है तब कितना एंगल। अब मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए बीटा बड़ा होना चाहिए, और बीटा सबसे बड़ा तब होगा जब ये जो इमेज बन रही है ये 25 सेंटीमीटर बने, तभी तो सबसे बड़ी इमेज दिखेगी। मान लो इसकी इमेज यहां बन रही है, सपोज कर लो 50 सेंटीमीटर पे आपने माइक्रोस्कोप यूज किया और जो इमेज बनी वो 50 सेंटीमीटर पे, तो क्या आपको सबसे बड़ी इमेज दिख रही है? अगर उस इमेज को भी हम फिक्स करते हुए 25 पे ले आए तो इस टाइम वो इमेज सबसे बड़ी होगी। सो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट टी विद माइक्रोस्कोप, और ये क्या है तो विदाउट माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट था, इस बार क्या ऑब्जेक्ट डी पे रखा होगा? नहीं, ऑब्जेक्ट और कहीं पास रखा होगा, समझो यार बात को समझो, ऑब्जेक्ट कहीं पास रखा, ऑब्जेक्ट 25 पे नहीं रखा, ऑब्जेक्ट कहीं पास में एकदम लेंस के इतना पास रखो कि जो इमेज बने वो 25 सेंटीमीटर बने, समझो समझो को तो क्लियर करके जाएंगे। पहले हम कह रहे हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के इसको क्लियर कर जाएंगे, पहले हम ये कह रहे हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पे रखा, जो विजुअल एंगल बनाया हमने कहा हाँ बहुत बढ़िया मैग्निफिकेशन, वाह भाई मचा गया। अब हमने कहा माइक्रोस्कोप लेके आए, माइक्रोस्कोप लेके आए ऑब्जेक्ट के पास लेके उसकी इमेज कहीं बनी, कहीं बनी, हमने कहा बड़ी बन गई है, थोड़ा मजा आ गया, हमने कहा ये मैग्निफिकेशन भी मैक्सिमम करो, तो हम ऐसी सेटिंग करेंगे कि जो इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पे बन जाए, और डेफिनेटली ये 25 सेंटीमीटर पे इससे तो बड़ा दिखेगा ना, ये तो ऑब्जेक्ट है 25 पे। अब क्या हमने ऐसा सेट किया कि इसकी इमेज 25 पे बन गई और बड़ी भी बन गई, तो मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम इन दिस केस, इससे अच्छा मैग्निफिकेशन नहीं सकता, इसकी इमेज आप 25 पे बना लिए सबसे बड़ी दिख रही है, उससे दूर करोगे तो छोटी हो जाएगी। सो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज इज फाउंड एट डी, कुछ नहीं समझ में आया तो ये रट मारने का, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज इज फाउंड एट डी, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, क्या लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा, देखो रेज इधर जा रही है तो ये क्या हो गया
पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है, तो ये हो गया माइनस यू ई, इमेज डिस्टेंस हो गया आएगा माइनस डी, फाइनल इमेज कहां बननी है डी पे, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये किसके हमेशा नहीं, जनरल फॉर्मूला तो ये है मैग्निफिकेशन का, केस बना रहे हैं अंदर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा हो माइनस यूई पे, यहां से माइनस यूई, और इमेज बन रही हो डी पे। अच्छा जरा लेंस मेकर का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, इसमें 1 बाई एफ वी की जगह माइनस 1 बाई बी और माइनस 1 बाई यू की जगह माइनस यू ई, क्या यहां से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा प्लस 1 बाई यू ई, 1 बाई डी को इधर भेज दो, तो 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई बी, जरा ध्यान से देखो सही बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे है माइनस यूई पे, इमेज कहां बनाना चाह रहे हैं हम डी पे, ताकि सबसे बड़ी इमेज दिख जाए, कोई भी चीज सबसे बड़ी कब दिखती है, जब वो 25 सेंटीमीटर पे, तो पहले तो ऑब्जेक्ट को 25 पे रख के देख लिया, फिर माइक्रोस्कोप को ऐसा सेट किया कि ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहां बने 25 पे बने, और डेफिनेटली ये इमेज उस ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है इमेज बनी माइनस डी पे, 1 / f = 1 / - 1 / u, v की जगह माइनस डी, यू की जगह माइनस यू है ना, दोनों नेगेटिव में दिख रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे आ रहे हैं, इंसिडेंट ऐसे जा रही है, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैग्निफिकेशन में रख दो, मैग्निफिकेशन इज डी बाई यू, तो 1 बाई यू की वैल्यू यहाँ से पुट करो, सो यू विल गेट डी 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, तो डी इंटू 1 बाई डी हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, सो मैग्निफिकेशन इज 1 प्लस डी बाई, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप का, कितना आ रहा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कितना आ रहा 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है, इसको मैक्सिमम की जगह मैं ये लिखूंगा कि मैग्निफिकेशन एट डी, एट डी मतलब जब फाइनल इमेज भी डी पे बने 1 प्लस डी बाई एफ, नोट करें, अच्छा है बढ़िया है, बढ़िया मैग्निफिकेशन मिला, एक प्रॉब्लम होती है इसमें, प्रॉब्लम ये होती है कि आंख पे बड़ा जोर पड़ता है, ऐसे करके देख रहे बड़ा तो दिख रहा है, मतलब आपको इमेज बढ़िया तो दिख रही है, मतलब बड़ी तो दिख रही है, बड़ा स्ट्रेन डालना पड़ रहा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मजा आता है क्या देखने में, कोई चीज़ बड़ा दिखाना दिमाग लगाना पड़ता है, सबसे ज्यादा मजा कब आता है जब ऐसे रिलैक्स आई से देख सको, तो ठीक है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पा गए, पर कुछ तो खोना पड़ता है ना, वही है ना कि कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना पड़ता है, मिटा रहे इसको, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज, इसको अच्छे से पढ़ लो कंपाउंड तुरंत समझ में आएगा, फाइनल इमेज इज फाउंड एट डी, मिटा रहे, सेकंड है क्या मिनिमम मैग्निफिकेशन कह सकते हो, पर उसको कहते ये नहीं है, सेकंड को हमको बोलते हैं केस टू को मिनिमम मैग्निफिकेशन नहीं बोलते, केस टू हम बोलते हैं कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नाम दिया है, देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि बिना किसी स्ट्रेन के आप रिलैक्स्ड आई से देख सको, ठीक है ना, दिमाग में और आंखों पे जोर ना पड़े, ऐसे ऐसे देख रहे इमेज को डी पे बना के मुश्किल से ऐसे घूर रहे, ऐसा ना हो ना, इंस्ट्रूमेंट बना है हमारी सुविधा के लिए बना है, तो रिलैक्स्ड आई से आप कोई भी इमेज कहां देखना चाहते हो, है ना, आंख रिलैक्स कब होती है, सर सोते वक्त लेक्चर बंद करके सो जाओ, तो रिलैक्स्ड आई तब होती है जब आप इंफिनिटी वाली चीज देखो, मतलब काफी डिस्टेंट वाली चीज देखो, काफी डिस्टेंस को हम इंफिनिटी ही मान लेते हैं, एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी नहीं, इसे कंपेरिजन में मान लो आप देख रहे हो 500 मीटर दूर, इवन 10 मीटर दूर आप देख रहे हो, तो इसके लिए क्या होगी इन्फिनिटी होगी इस लेंस के लिए, एक्चुअल में इन्फिनिटी नहीं है, बट माना जाता है कि रिलैक्स आई के लिए इन्फिनिटी में रखा ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से देखा जा सकता है, सो फॉर रिलैक्स्ड आई फाइनल इमेज शुड बी एट इंफिनिटी, अब डी पे नहीं बनाएंगे, फाइनल इमेज कहां बनाएंगे हम बहुत दूर इंफिनिटी पे बनाएंगे, अच्छा बच्चों इसको हम जरा इस पे रखते हैं सिचुएशन पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है माइनस यू ई, इमेज आप कहां चाहते हो इंफिनिटी पे, 1 / f इज इक्वल्स टू 1 / b माइनस 1 / u, 1 by f is equals to 1 by infinity
माइनस वन बाई माइनस यू ई, यहां से विल गेट ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा जीरो, वन बाई इनफाइनाइट जीरो हो गया, सो वन बाई यू ई इज इक्वल टू वन बाई एफ। अब अगर आप मैग्निफिकेशन देखो तो डी बाई यू ई है और इट विल बिकम डी बाई एफ। सो दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन भी कह सकते हो, उस टाइम मैग्निफिकेशन मिनिमम हो गया है, मैक्सिमम वन प्लस डी बाई एफ था, सो दिस इज मैग्निफिकेशन डी बाई एफ, इसमें यहां पे लिख देते हैं इनफिनिटी। हाँ ये मिनिमम मैग्निफिकेशन भी है नो डाउट, बट इसमें एक फायदा है कि आप रिलैक्स आई से देख सकते हो, तो वही बात है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे आपने आराम पाया तो मैग्निफिकेशन खो दिया, वहां पे आपने मैग्निफिकेशन पाया तो सुख चैन खो दिया, ठीक है। तो ये दो केसेस बहुत आते हैं एग्जाम में, मतलब यही पूछता है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आई या फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट या फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। नोट करें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगी जब इमेज कहां बने 25 सेंटीमीटर पे, अल्फा दोनों केस में सेम है, देयर इज नथिंग टू डू विद अल्फा, जो भी चेंज हो रहा है सब बीटा की वजह से, यू ही चेंज आ रहा है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगा जब फाइनल इमेज डी पे बने, और रिलैक्स आई से तब देखोगे जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, उस टाइम मैग्निफिकेशन मिनिमम भी होगा। नोट कर लो फिर बता दें एक बार में, नोट कर लिया मिटा रहे हो, चलो इसको हम समरी में लिखते हैं एक बार फिर चलते हैं आगे कहानी में, क्या हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद, क्यों कंपाउंड बना, ये सारी बातें करते हैं। और पहले एक बार समरी लिखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, समरी मतलब फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन जो आया है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो आया है डी बाई यूई, यूई कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यू इज व्हाट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, आईज के पास था तो हमने बोल दिया ई, ठीक। हमने बोला इसमें दो केस बन सकते हैं, टू केसेस आर पॉसिबल, एक है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा जब फाइनल इमेज इज एट डी, तो हमने क्या किया वी की जगह माइनस डी रख दिया, और करते 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 हमें मैग्निफिकेशन जो मिला वो मिला वन प्लस डी बाई एफ। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको स्ट्रेन्ड आई के साथ देखना पड़ रहा है, आंखों पे जोर पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से दिख रहा है। दूसरा केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट, यू कैन ऑल्सो से मिनिमम मैग्निफिकेशन, या एग्जाम इसको रिलैक्स आई के लिए भी बोल सकता है कि रिलैक्स आई के लिए हमें देखना है, बहुत से तरीके हम बोल लेते हैं। ये कब होगा जब फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, और इस केस में v की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख सकते हो, और मैग्निफिकेशन आता है d बाई f, ये मैग्निफिकेशन बच्चों मिनिमम होता है, नोट करें। यानी आप कह सकते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है इट लाइज बिटवीन d बाई f टू 1 प्लस d बाई f, d बाई f से 1 प्लस d बाई f। जनरली जो इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो एक दो तीन, मतलब एक तो नहीं होगा इससे फायदा नहीं, दो तीन चार पाँच छः सात, बस वैसे एनसीईआरटी बोलती है कि नौ तक, नौ गुना ये मैग्नीफाई करता है, बट उसका मतलब नहीं, इतने गुना मैग्नीफाई करने पे जो क्लैरिटी है वो नहीं बचती है। जैसे डीसी पांडे बोलते हैं कि चार गुना मैग्नीफाई करता है, एनसीईआरटी बोल रही है नौ गुना मैग्नीफाई करता है, चलो हम दोनों का एवरेज लेते हैं, चलो जो भी हो सात आठ गुना करता होगा, मतलब बहुत बड़ा मैग्नीफिकेशन आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते कि सौ गुना मैग्नीफाई चीज को सौ गुना बड़ा दिखा है, ये नहीं कर सकता है। उसके लिए लैब का वो जो आपके लैब में माइक्रोस्कोप लगा होता है, वो बायो वाले बच्चे जाते हैं ना उसमें, वो चूहा काट के देखते हैं, सर चूहा नहीं काटते सर, जो भी वो मेढक काट के देखते हैं, तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जहाँ पे कोई चीज़ सौ गुना बड़ी दिख सकती है, दो सौ गुना बड़ी दिख सकती है, यहाँ ऐसे चांस नहीं है। यहाँ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एनसीईआरटी के हिसाब से नौ गुना बड़ा है, सो डी बाई एफ से वन प्लस डी बाई एफ, क्लियर। ये पूरी चीज कहानी अब याद रखना, क्या दो बातें हैं, पहली चीज मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो डी बाई यू ई है,
यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ले लो, कब, जब फाइनल इमेज डी पे बने, ठीक है, कितना आ रहा है 1+DYF, दिक्कत क्या है, बहुत मुश्किल से देखना पड़ रहा है स्क्रीन में। दूसरा रिलायंस साइज से देखो, फाइनल इमेज कहाँ बनाओ, इन्फिनिटी पे बनाओ, आराम से देखो, मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगा, डी बाई एफ मिनिमम मैग्नीफिकेशन। क्लियर है? तो प्रॉब्लम बता दी हमने, प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, इवन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस होंगे। आपके सिलेबस में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस होंगे, और जो बढ़िया बढ़िया कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनते हैं उसमें 16, 18, 20 कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो 2 कॉन्वेक्स लेंस वाला ही है। तो उसको हम समझते हैं, डायग्राम बढ़िया से बनाना है ना, पेंसिल रबड़ पेन सब निकाल लो, स्केल वगैरह, चलो कोशिश करते हैं बनाने की। एक होगा छोटा लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का, एक होगा बड़ा लेंस लार्ज फोकल लेंथ का। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, और इसको हम बोलते हैं आईपीस लेंस, और ये होता है लार्ज फोकल लेंथ का। इसका नाम ऑब्जेक्टिव इसलिए पड़ा क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके पास में होगा, इसका नाम आईपीस इसलिए पड़ा क्योंकि आईज इसके पास में होंगी, ठीक है, जो हमारी आंखें होंगी वो इस लेंस के पास होंगी, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाने में है। चलो ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो यहां मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा, लेट अस नेम इट ए बी, HO बोल देते हैं height of object। अब देखो इसकी focal length small है, मान लो यहां कहीं focus है, तो जो object है it is beyond focus। convex lens में अगर object focus के बाद रखा होता है तो कैसी image बनती है, real inverted magnified, ठीक है। तो यहां से एक ray ले गए हम parallel, कहां से pass करेंगे इसके second focus से, तो second focus से pass करा ली, एक pass करा लो optical center से, optical center से pass करें, ये दोनों रेस यहां पे मीट की और यहां बनी ए बी की इमेज, लेट अस से ए डैश बी डैश, बट ये फाइनल इमेज नहीं है बच्चों, ये तो ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज बनी है, कैसी, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड। तो ऑब्जेक्टिव का काम सिर्फ इतना ही है कि यहां से ऑब्जेक्ट को उठाओ, उसकी रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बनाओ, थोड़ा सा मैग्निफाई कर दो, ठीक है। अब दूसरे लेंस का काम क्या है, मैंने आपको कई बार सिखाया है, जब आपके पास दो लेंस हो, दो सरफेस हो, तो पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है, यानी ये ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा अब जरा इस पे आओ, आईपीस पे, लार्ज फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, यहां मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका फोकस कहीं यहां पड़ेगा, फोकस ऑफ आईपीस, मतलब ये जो पहले की इमेज बनी है जो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही, That is between F and O. अब convex lens का ये case तो बहुत popular है. Object between F and O. Virtual erect magnified image, जो कि भी आपने simple microscope में पढ़ा, उसमें भी तो यही था. Object कहाँ था? Between F and O. क्या होगा? इसी side एक image बन जाएगी बड़ी सी. ठीक? So eyepiece lens just behaves like simple microscope. ये concept आप पकड़ लो. पूरा compound microscope हिल गया. खत्म. आईपीस लेंस कुछ नहीं है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके यहां पे बनाया। आईपीस क्या करेगा, इसकी वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। चलो बनाने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे हम, यहां से एक रे ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी, इसकी फोकस से, और एक रे पास करा लेते हैं पहले ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे पास करा दी ऑप्टिकल सेंटर से, अब एक रे पास कराते हैं इसके फोकस से, यहां कहीं मान लो इसका फोकस है दूर, फोकस ऑफ आईपीस। अब ये दोनों रेस जो है ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, ये आगे तो कहीं मीट नहीं करेंगी, कहां मीट करेंगी, प्रोड्यूस बैकवर्ड में, तो इस रेस को इस रे को और इस रे को प्रोड्यूस बैकवर्ड किया और यहां पे दोनों मिली, तो यहां बनेगी फाइनल इमेज, ए डैश से निकली
तो यहां ए डबल डैश और यहां पे बी डबल डैश. नाउ दिस इज द फाइनल इमेज. ये फाइनल इमेज बनी ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. यहां पे हमारी आईज होंगी आईपीस के पास और यहां से आप कहानी देख रहे हो. तो ये रे डायग्राम है, जरा इसको एक बार आप बना लीजिए. जितना सीधा वेधा बन पाया मैंने बनाया, बाकी आप कोशिश करिए कि इसको स्केल स्केल से बनाइए, बढ़िया बनेगा. कंसेप्ट यही है कि ऑब्जेक्टिव का काम है इसकी एक रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बनाओ, और आईपीस का काम है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला. दिस इमेज विच इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, इट इज बिटवीन एफ एंड ओ, सो वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज. थोड़ी लेबलिंग करते हैं. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से, इसको मैंने बोला यू, और ये इमेज का डिस्टेंस यहां से, इसको बोला वी. किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए. तो इसको बोल दो यू ओ, इसको बोल दो वी ओ. यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे? ऑब्जेक्टिव से. वी इमेज डिस्टेंस किससे? ऑब्जेक्टिव से. ठीक है, अब ये जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव की, ये इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, इसको मैंने बोला यू ई, इसीलिए पहले से हम यू ई यूज कर रहे थे. वहां एक ही लेंस था, वही आपके पास था, वही आईपीस था. छोड़, अच्छा है ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा. तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है. तो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस एंड दिस डेफिनेटली विल बी इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस. ये पूरा चाहो तो बना लो, ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है. दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस. क्लियर है इतनी बातें? चलो अब इसका मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करते हैं. मैग्निफिकेशन के लिए हमको बीटा निकालना पड़ेगा. अल्फा तो फिक्स्ड ही होता है, बीटा की बात करते हैं. बीटा क्या होता था? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन आई. ये फाइनल इमेज है, ये आंख पे क्या एंगल बना रहा है? फाइनल इमेज आंख पे क्या एंगल बना रहा है? ये रहा एंगल. सो दिस एंगल इज बीटा. यही तो होगा. बीटा क्या होता था? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज. तो ये रहा बीटा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज. अब हम बीटा निकालना चाहते हैं, तो बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे, टैन बीटा निकालेंगे. और टैन बीटा करीब करीब किसके बराबर होगा? बीटा के, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो इसकी इमेज भी बहुत बड़ी नहीं होगी. अभी भी ये छोटा सा ही होगा, तो ये जो बीटा एंगल है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. तो टैन बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा. यहां से टैन बीटा की वैल्यू बोलो, समझ रहे हो? बीटा क्या होता था भाई? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज. यार अल्फा तो फिक्स है, अल्फा का क्या तरीका है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी, वो तो खट से हो जाएगा. अल्फा यहां निकाल लो, ये ऑब्जेक्ट रखेंगे. अल्फा क्या होता था? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी. यहां से अल्फा तो फटाक से निकल आएगा, टैन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा सा है, विच विल बी इक्वल टू एच नॉट बाय डी. ये तो बड़ा आसान था. बीटा पे आओ, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट डी आई, ये रहा बीटा. टैन बीटा क्या हो जाएगा? या तो दिस अपॉन दिस, या तो दिस अपॉन दिस कर लेते हैं. तो tan beta which is nearly equal to beta will be equal to this upon this, यानी a dash b dash upon u. अब इस a dash b dash को हम हटाना चाहते हैं. अब ध्यान से देखना, a dash b dash को हम कैसे हटाएंगे? इस लेंस का हमें मैग्निफिकेशन बताओ. एक लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद है? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है? v by u. मिरर का होता है minus v by u, लेंस का v by u. तो हम मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं. ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v by u with sin, ठीक है? तो v तो ये हो गया इस लेंस का मैग्निफिकेशन. सो ये हो गया v. सो दिस विल बी v नॉट, और u मेरे ख्याल से नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट ऐसे जा रही है, u पीछे है, तो माइनस u नॉट. अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता था अगर आपको याद हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. लेंस की बात कर रहे हैं अभी, माइक्रोस्कोप की नहीं. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इसी को हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज. इमेज कहां रही? ये कैसी है? नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव, यानी माइनस ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी. बोलो समझ में आया? किसके लिखा आपने फॉर्मूला? इस लेंस की मैग्निफिकेशन के लिए. लेंस का मैग्निफिकेशन
या तो v by u, या तो height of image upon height of object, और ये सब कैसे रखा जाता है बच्चों, with sign, तो हमने with sign रखा, by v की जगह v not रख दिया, u की जगह minus u not, फिर height of image की जगह minus a dash b dash, और height of object की जगह ab, ठीक है, जरा इस equation को देखो, v not upon minus u not is equals to minus a dash b dash upon ab. यहाँ से minus minus cancel. यहाँ से a dash b dash is equals to v not by u not into ab. और ab को आपने कितना बोला है? h not height of object. So a dash b dash is v not upon u not into ये a dash b dash की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के आप यहां पुट कर दोगे, so you will get tan beta which is nearly equal to beta which is a dash b dash by ue. अब a dash b dash जगह ये पूरा पुट करने जा रहा है, ध्यान से, so beta will be v not by u not into h not upon ue, ये मिल गया मुझको beta. अब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे माइक्रोस्कोप का. मैग्नीफिकेशन क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा. जरा निकालो क्या आ रहा है, इतना नोट करो, फिर मैग्नीफिकेशन निकालो क्या आ रहा है. बीटा अपॉन अल्फा. क्या आया फॉर्मूला निकाला है? इसको मिटा दें इधर, ये नोट कर लिया है. चल, सो मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप अब निकाल रहे, जिसका फॉर्मूला होगा बीटा अपॉन अल्फा. तो बीटा की फाइनल वैल्यू आ रही है v not by u not, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए ho height of object object upon ue object distance for eyepiece divided by alpha which is h not by d height of object upon d. ho ho cancel, यहां से मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू मिल रही वो है vo upon uo multiplied by d, ऊपर गया d by ue. बस रुक जाओ, जरा ध्यान से देखो ऐसे क्यों लिखा है. बच्चों VO upon UO एक तरह से मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का, साइन हटा दो माइनस प्लस. भाई ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इस लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होगा? VO upon UO, V by U, साइन अगर हटा दे. और ध्यान से देखो D by UE, पहचाने, D by UE is the magnification of simple microscope. And eyepiece is behaving like a simple microscope. यानी अगर मैं आपसे पूछता what is the magnification of eyepiece, तो आप simple microscope का magnification लिख सकते हो. नहीं समझे? इसमें दो term हैं. Magnification of compound microscope में दो term हैं. पहला VO upon UO, which is the magnification produced by objective. तो इसको हम बोल सकते हैं magnification of objective multiplied by d by UE. याद करो d by ue मैग्निफिकेशन था सिंपल माइक्रोस्कोप का, और आईपीस का फंक्शन देखो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का. यानी दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस. मस्त फॉर्मूला बना. नेट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस. याद रखना है कि आईपीस क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन d by ue. तो इसको नोट करें, कई बार एग्जाम में आ जाता है बोर्ड में, प्रूफ करो magnification of compound microscope is MO into ME. तो यही process लगा के आप proof कर सकते हो. ये question भी आ सकता है, important है. Proof that magnification of compound microscope is MO into ME. तो यहाँ से आप proof कर सकते हो. यहाँ तक एक बार पहुँच गया, beta by alpha कर दो, यहाँ पे एक बार पहुँच गए. तो ये magnification किसका है? Objective का, V by U. ये magnification किसका होता है? Simple microscope का होता है. और eyepiece कैसे behave कर रहा? Just like simple microscope. So this is magnification of eyepiece. नोट कर ले, इसको मिटा दूं मैं. चलिए बहुत बढ़िया. अब यहां पे भी दो केसेस बनेंगे, जैसे वहां पे बने थे सिंपल माइक्रोस्कोप में. एक किसके लिए? मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए. एक किसके लिए? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए. यहां पे भी दो केसेस बनेंगे, ठीक है. मैं इसको मिटा लूं, बनाने देते हैं. चलो बनाने देते हैं. अब बात करते हैं दो केसेस की एक-एक करके, ठीक है. लेट अस टॉक अबाउट टू केसेस. तो केस 1 इज मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन. तो बच्चों मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा? अब पूरा वही प्रोसेस रिपीट करना है. मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन तब होगा जब फाइनल इमेज BD पर हो, यानी ये जो फाइनल इमेज बन रही है ये आंख से कितनी दूर हो? D डिस्टेंस पे हो, 25 सेंटीमीटर पे. तो
तो फाइनल इमेज एट डी किसके लिए, इस लेंस के लिए, तो पूरी कहानी वही लगानी है आपको, कुछ नहीं होगा, इसका मैग्निफिकेशन चेंज होके 1 प्लस डी बाई एफ ई बन जाएगा। आओ देखते हैं, फाइनल इमेज एट डी बाई आईपीस, आईपीस ही तो बनाएगा, कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस में फॉर्मूला ये बन जाएगा। देखो पहला वाला टर्म सेम रहेगा, v नॉट बाय u नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं, और सिंपल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना देता था, 1 प्लस d बाय f, और इसकी फोकल लेंथ को आप f ही बोल सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो यही बन के आएगा। आओ देखें कैसे, फाइनल इमेज एट d बाय आईपीस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस ue, ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा माइनस ue पीछे की तरफ, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा माइनस डी, इसको हम बोल रहे हैं कि ये कितने बने 25 सेंटीमीटर पे, आंख यहाँ पे है, यहाँ बनी है, यहाँ मान लो एकदम बगल में लेंस के, तो फाइनल इमेज कहाँ बनी, माइनस डी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, माइनस यू ई पे, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी, एफ ई के बराबर, तो एफ इज इक्वल टू प्लस एफ ई है ना। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ की जगह 1 बाई एफ ई रख दो, 1 बाई वी की जगह माइनस डी, 1 बाई यू की जगह माइनस यूई, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई यूई, दिस विल कम प्लस 1 बाई यूई, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ इस तरफ, तो प्लस 1 बाई यूई, और इसको इधर भेजा, सो 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, तो यहाँ से देखो यूई 1 बाई यूई की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आप 1 बाई यूई की वैल्यू रख दो, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई, 1 बाई यूई की जगह 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, तो डी बाई एफ ई और डी बाई डी हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस डी बाई एफ ई, यही आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, याद करो, इसके बाद बस सिंपल माइक्रोस्कोप रिपीट करना है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज एट डी, इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, इसका तो जो था वही रहेगा, भाई फॉर्मूला क्या है, एमओ इंटू एम ई है ना, एमओ इंटू एम ई, देखो बात इतनी नहीं कि फॉर्मूला याद करना है, तरीका याद रखना है, मैग्निफिकेशन एमओ इंटू एम ई, तो एमओ तो वही रहेगा वी ओ बाई यू ओ, वी बाई यू है ना, ME क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होता था, 1 प्लस d by FE, क्योंकि ये है क्या आईपीस, सिंपल माइक्रोस्कोप, चाहो तो ऐसे निकाल के देख लो, 1 by UE की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो हो जाएगा 1 by FE plus 1 by d, तो d by d 1 हो गया, तो 1 plus d by FE, क्लियर है। दूसरा हो जाएगा हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट केस 2, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट आप कैसे देखते हो, रिलैक्स्ड आई से, मैग्निफिकेशन थोड़ा सा कम होता है पर आंखों को आराम होता है, फाइनल इमेज कहां बनती है, फाइनल इमेज कहां बनती है, एट इंफिनिटी बाय आईपीस, तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यूई, इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी, फोकल लेंथ एफ ई, अप्लाई 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, this will be 1 by f e, this will be 1 by infinity minus 1 by minus u e, so yahan se you will get 1 by u e is equals to 1 by f e, to 1 by u e ki jagah 1 by f e rakh do, d by f e yahi aana bhi chahiye, so magnification is mo into me, mo same rehta hai vo by uo, me kya hota tha normal adjustment mein, me kya hota tha, d by f e, dekho bhai aa raha hai, चाहो तो यहां से देख लो, 1 by u की जगह 1 by f रखा, d by f, तो आपको याद रखना है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है और इसका मैग्निफिकेशन फिक्स है vo by uo, इसका मैग्निफिकेशन फिक्स है vo by uo, ये आपको याद रखना है, vo by uo इसका मैग्निफिकेशन फिक्स है, इसका मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह d by ue होगा, मैक्सिमम कराओगे तो 1 plus d by fe, फाइनल इमेज एट d, और अगर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट से देखना चाहोगे रिलैक्स आई से, तब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी और मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा d by f, और f की जगह f ही क्योंकि आईपीस, नोट कर लें, फिर समरी करते हैं इसकी पूरी, बेटा रे ओके, अब इसकी पूरी समरी करेंगे। अच्छा एक चीज और नोट कर लो, बताना मैं भूल गया, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, दो लेंस के बीच का डिस्टेंस,
तो इसको हम बोल देंगे ये प्लस ये, देखो ये तो है, यानी वी ओ प्लस यू ई, और इस पे लगा दो मॉड, कि दोनों को आपको पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। लेंथ यही होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज कॉल्ड लेंथ, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की लेंथ, डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं माइक्रोस्कोप का, वी ओ का मॉड यू ई का मॉड। और इसको हम पूरा समराइज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, फिर इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आप भी समझ गए हो, क्लिकी पॉइंट यही था कि जो आईपीस है दैट विल बिहेव लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, बाकी कोई खास कंसेप्ट नहीं मिला आपको। क्या समझ में आया आपको कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। डायग्राम याद रखना, न्यूमेरिकल में डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज फिक्स्ड ऑलवेज वीओ बाई यू ई, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज डी बाई एफ ई लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर इसमें भी दो केसेस बन जाएंगे, पहला केस यहां ले लेते हैं किसका, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। तो बच्चों मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगा जब फाइनल इमेज एट डी बने, कौन बनाएगा, आईपीएस बनाएगा। उस केस में आप देखोगे मैग्निफिकेशन एमओ इनटू एमई, एमओ चेंज नहीं होगा, वीओ बाई यू ओ, एमई चेंज हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल इमेज जो आईपीएस की है उसको v को माइनस d रख दो, u को माइनस ue रख दो, और वहां से कैलकुलेशन करके यू कैन फाइंड दिस, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं रिलैक्स आई से देखना है। इस केस में फाइनल इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी बाई आईपीस। इस केस में मैग्निफिकेशन फिर से MO into ME, MO चेंज नहीं होगा, VO by UO, और ME कितना हो जाएगा, D by F। यहाँ definitely magnification उससे थोड़ा सा कम है, देखो वो 1 plus है, ये थोड़ा सा कम है, but problem क्या थी यहाँ पे, strained eye, 25 cm पे देखना पड़ रहा है, बहुत ऐसे करके, final image को ऐसे करके, और यहाँ पे आप relaxed eye से। और इसके बाद क्या बताया हमने, length of microscope कितनी है, VO plus UE। डायग्राम याद रखो तो अपने आप सवाल बनेगा, ठीक है। और ये कंसेप्ट पकड़ लो, ये फिक्स रहेगा, और इसको पकड़ लो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसीलिए वहां पे हमने यूवी लिया था, है ना, ये डी बाई एफ ई लिख दिया, वेरी सॉरी डी बाई यूवी, माफ करना मुझे, कमेंट कर दिया होगा अब तक कई लोगों ने डी बाई यूवी। चलिए इतना नोट कर लिया, इसके न्यूमेरिकल उठाते हैं हम लोग, लेट अस सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी आपसे मिलेगा न्यूमेरिकल। आइए करते हैं, नोट कर लें इतना, मैं से क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो क्वेश्चन उठाते हैं इसका हम, ओके मिटा दें। अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जहां सवाल करोगे एक दो क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप focal length of objective lens is 1.2 cm and focal length of eyepiece is 3.0 cm, then object is kept at 1.25 cm in front of objective, final image is formed at infinity, magnifying power, ठीक है, magnifying power बोलो या magnification बोलो, is, और हमको चार ऑप्शन दिए हैं, magnifying power is 100, 200,
300 400 ट्राई करो जरा पॉज करके 100 200 300 400 डायग्राम बना के करोगे तुरंत हो जाएगा ठीक है डायग्राम बना के करोगे कॉन्सेप्ट भी बढ़िया रहेगा चलो पॉज करके ट्राई करो चलो हम करें इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेस 1.2 सेंटीमीटर ठीक है भाई जो ऑब्जेक्टिव था जो यहाँ पे था है ना अभी क्या होता है नए नए होते हैं तो डायग्राम भी दिमाग में नहीं बसा होता ऐसे हम लोग तो दिमाग में बसा है क्या क्या होगा तो ये है कहानी ठीक है ऐसी मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया ठीक है ये ऑब्जेक्टिव ये आईपीस सो इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज 1.2 सेंटीमीटर इसकी बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 1.2 सेंटीमीटर और आईपीस की बता के रखा है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 3.0 सेंटीमीटर ठीक है भाई फिर When object is kept at 1.25 centimeter in front of objective, ये जो objective है, जो object है, ये वो कहाँ पे रखा है? 1.25 centimeter पे, ठीक है? सवाल पढ़ लिया? चलो ये तीन information given थी. Final image is formed at infinity. अच्छा जो final image बन रही है वो infinity पे बन रही है. चलो बहुत बढ़िया. तो final image at infinity यहाँ से क्या समझे? Final image at infinity पूछ क्या रहा है magnifying power so magnifying power is nothing but mo into me mo तो बदलने वाला नहीं था vo by uo me final image at infinity me d by fe ठीक है fe क्या है focal length of eyepiece पता है d क्या होता है 25 सेंटीमीटर पता है vo क्या होता है image distance for objective ये इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव ये नहीं पता हमें यूओ क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस पता है हमें 1.25 तो हमें क्या निकालना चाहिए वीओ निकालना चाहिए ठीक है हमें ये चाहिए ये पता है इसकी फोकल लेंथ इस लेंस पे आ जाओ ऑब्जेक्टिव लेंस पे खेल खत्म आपको इसकी फोकल लेंथ पता है ऑब्जेक्टिव लेंस पे आ जाओ फोकल लेंथ कितनी है 1.2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -1.25 सेंटीमीटर भाई नेगेटिव में होगा इमेज डिस्टेंस हमको चाहिए यही तो चाहिए भाई ये मिल गया बाकी सब तो है ही है अरे क्या जरूरत है ये निकालने की सब निकाल लें सर ये भी निकाल लें वो भी निकाल लें ऐसे थोड़ी ना डायग्राम याद रखो क्वेश्चन पे आओ क्या चाहिए एमओ इनटू एमई एमओ की वैल्यू ये एमई की वैल्यू इंफिनिटी के लिए डी बाई एफ ई ये नहीं पता बाकी सब पता है तो ये निकाल लो यहां से बहुत सिंपल है क्या कर दो 1/f = 1/v - 1/u f की वैल्यू कितनी है 1.2 v की वैल्यू कितनी है नहीं पता u की वैल्यू कितनी है -1.25 यहां से यू विल गेट 1/v is equals to 1 upon 1.2 ये प्लस होके उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा 1 upon 1.2 ये प्लस होगा इधर जाके फिर माइनस हो जाएगा यहां से पॉइंट आउट 10 यहां से पॉइंट आउट 100 2 5 are 10 2 6 are 12 25 5 are 125 25 4 are 100 5/6 - 4/5 1/b is equals to 6 और 5 कैल्शियम 30 6 into 5 5 into 5 25 5 into 6 तो 4 into 6 24 तो 1/b is nothing but 1/30 यहां से v की वैल्यू मिल गई आपको 30 v क्या है यही तो इसी लेंस के लिए निकाला है यानी आपको v नॉट मिल गया 30 लो सब तो पता है रख दो आंसर आ गया बोलो क्लियर है हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखा mo into me mo पता है vo / u me हमें पता है इंफिनिटी के लिए d / f लगेगा सब पता था वीओ निकालना था इस लेंस पे आ गए एफ यू गिवन है यू होता है पीछे की तरफ यहां से भी निकाल लिया खत्म रख दो खत्म कितना आ रहा आंसर रख के बताओ कितना आ रहा 200 हो गया होगा अब तक कितना आ रहा ये मिटा दे क्वेश्चन मैग्निफिकेशन इज वीओ अपॉन यूओ इनटू डी बाय So VO is 30, UO object distance for objective 1.25 यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखो ठीक है D कितना है 25 सेंटीमीटर और focal length of eyepiece कितनी है ये रहा 3 सेंटीमीटर so you have to solve this
सो यहाँ से पॉइंट हटाया, जीरो जीरो लगा दो, 25 5s are 25 1s are 100 5 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
कई किताब में जिसका आप फॉर्मुला देखोगे वो ये देखोगे m इज इक्वल्स टू जैसे v नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई और इसके आगे माइनस लगा होता है। सुन लो, माइनस इसलिए लगता है कि ध्यान से देखो जो ऑब्जेक्ट है और जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है, तो इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी बोलते हैं, जबकि मैग्नीफाइंग पावर को हमेशा प्लस होगी। पर कई किताबें माइनस लगाती हैं तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर ने नहीं बताया, तो उसे हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये है, इसको कितने गुना बढ़ाया, 200 गुना बढ़ाया, पर 200 गुना किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस भी लगा होता है। ठीक है, अब अलग अलग किताब की अलग अलग सोच होती है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। एग्जाम में क्या करना है, आईआईटी में क्या करना है, वहां पे मैग्नीफाइंग पावर जो कि प्लस में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आप पक्का खुद से करेंगे। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ सेंटीमीटर एंड एन आई पीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 15 सेंटीमीटर How far from the objective should an object be placed in order to obtain final image at D, also calculate magnifying power. चलो try करो, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसमें length of microscope का भी काम है, एक बार try करें। Also calculate मैग्नीफाइंग पावर, हो गया, पॉज करके ट्राई करें। डायग्राम बना लो, तुरंत हो जाएगा सवाल पक्का। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25। जल्दी से डायग्राम बनाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव, एक रफ डायग्राम, ये आईपीस, यहां ऑब्जेक्ट रखा होगा, टर्म टू रम, टर्म टू रम, ये इमेज बनी होगी, टर्म टू रम, टर्म टू रम, खच 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 खच, ये फाइनल इमेज। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आईपीस। तो क्या बोला हमसे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, आपसे ये पूछा है, UO, in order to obtain final image at D, जो final image है, वो least distance of distinct vision यहाँ पे बनी है, यानी ये value आपको दे रखी है कि V की value minus D है, image found by eyepiece is at minus D, है ना, ये भी एक information है आपके पास, ऐसे लिख सकते हो, तो V इसको D लिख लो, V को D, इतनी information दे रखी है, आपसे पूछा है UO, आपसे पूछा है UO और आपसे पूछा है मैग्नीफाइंग पावर, जरा ट्राई करो। शुरू किया जाए चलो, कहां से स्टार्ट किया जाए भाई, कहां से स्टार्ट, हमसे सबसे पहले UO पूछा है। अच्छा, क्या आपके पास FO है,
क्या आपके पास वीओ है? नहीं है। चलो पहले ट्राई करते हैं यूओ फाइंड करने की। यू क्या है? हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, हम ये निकालना चाहते हैं। अच्छा हमारे पास फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, हमारे पास इमेज डिस्टेंस नहीं है। ये दोनों होता तो 1/f = 1/v - 1/u लगा देते ऑब्जेक्टिव के लिए, पर ये नहीं है। अच्छा तो ये निकालने कोई तरीका है क्या? अगर मेरे पास ये आ जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस और मेरे पास लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप तो है 15, अगर ये हमको पता चल जाए, मान लो ये 2 आ जाता है तो हमें ये मिल जाएगा 13, और जैसे ये 13 मिलेगा 1/f = 1/v - 1/u लगा देंगे। समझे नहीं? हमको ये निकालना है u, ठीक है? इस लेंस की फोकल लेंथ पता है, इस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है एक तरह से। अगर इमेज डिस्टेंस पता चल जाए, ये दोनों पता हो, तो ये निकल आएगा कि नहीं 1/f = 1/v - 1/u लगा के। हमने कहा ये निकाल लें कि अगर हम ये निकाल लें, समझो अगर हम ये निकाल लें और लेंथ में से इसको माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा। तो यू भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले खेल खेलते हैं आईपीस के ऊपर, तो आईपीस पे खेल खेलते हैं। आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है? 6.25 सेंटीमीटर। आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? नहीं पता, माइनस यू भी बोल सकते हैं, वी डोंट नो, है ना, माइनस यू भी बोल सकते हैं। आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है? ये वी कितना है? माइनस टी। अभी माइनस प्लस में बड़ा कंफ्यूज है कि वी क्या है, कुछ नहीं यार, इसको v को मतलब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, v u e v o ये सब हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव लेने की। इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितनी होगी? माइनस डी होगी कि नहीं? देखो इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जा रही ना, तो इमेज डिस्टेंस पीछे की तरफ माइनस डी। यहां से ये u निकालो 1/f = 1/v - 1/u, अरे ये -25 d मतलब, हां तो यहां से 1/6.25 = 1/v की जगह -25, -1/u की जगह -ue, यहां से प्लस हो जाएगा 1/ue, सो 1/ue इज इक्वल्स टू ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा 1/6.25 - 1/25, प्लस हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं क्या? 1/25 प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस इधर जाके प्लस, सो 1/ue इज इक्वल्स टू, यहां से डेसिमल हटाओ, 00 25 4 जा 25 25 6 25 तो 4 by 25 1 by 25 तो LCM हो गया 25 4 plus 1 हो गया 5 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
तो हम आईपीस पे आए, आईपीस की फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, हमने माइनस क्यू ही पकड़ लिया, इमेज डिस्टेंस को हमने माइनस डी रख दिया, माइनस 25, यहां से हमने यू ही निकाला, यू की वैल्यू 5 आ गई। अब अगर बताओ ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो यार ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। लो अब ये पता है इसकी फोकल लेंथ पता है, ये नहीं निकल सकता। आ जाओ ऑब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है, 2। ऑब्जेक्टिव में इमेज डिस्टेंस कितना है, 10 प्लस में होगा ना, इस तरफ इंसिडेंट रे देखो इधर जा रही, तो प्लस में होगा 10। अब यहां से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, खत्म। 1/f is equals to 1/v minus 1/u, 1/f की जगह 1/2, v की जगह 10, minus 1/u की जगह चाहो तो minus u और रख दो, माइनस यू यहाँ से निकाल लो, चाहे माइनस वन बाई यू रख लो, जो भी तुम वैल्यू निकालना लिख देना, आपको पता है यू नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ से प्लस वन बाई यू हो जाएगा, सो वन बाई यू ओ इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/10, सो एलसीएम हो गया 10, 2 5s are 10, 5 यहाँ माइनस 1, 4/10, सो 1/UO इज इक्वल टू 4/10, 2 2s are 4, 2/5, तो यू की वैल्यू हो गई 5/2। कैलकुलेशन की बात नहीं, अप्रोच की बात है, अप्रोच समझ में आ रही है। हमसे किसी ने कहा ये निकालो, हमने कहा अगर ये पता चल जाए, फोकल लेंथ पता है, इमेज डिस्टेंस पता चले, ये निकाल लेंगे। हमने कहा ये कैसे निकाले, हमने कहा अगर ये पता चल जाए तो लेंथ में से इसको माइनस करके निकाल लेंगे। हमने कहा ये कैसे पता चलेगा, हमने कहा इस लेंस की फोकल लेंथ पता है, इसके लिए इमेज बता रखी है कहां है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला 5, ये हो गया 10। अब इस लेंस में इमेज डिस्टेंस 10, फोकल लेंथ 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लो, जो भी आया आपका -5/2, 5/2, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5/2।
क्लियर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5/2, क्लियर, एफ इज इक्वल्स टू 2 रखा, v इज इक्वल्स टू 10 रखा, u की वैल्यू निकाली 1/f, 1/v, -1/u, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/10, -1/u0, 1/u0 इज इक्वल्स टू 1/2, -1/10, एलसीएम हुआ 10, 2 × 5 = 10, तो 5 - 1 = 4/10, तो 1/uo इज 2 to the 4, 2 × 5 = 2/5, uo इज 5/2, तो चलो एक चीज आपको मिल गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 5/2, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, चलो मैं ये क्वेश्चन में डाल देता हूं, दूसरी चीज है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एमओ इनटू एम, एमओ होता है वीओ बाई यूओ, और एम ई कितना हो जाता है बच्चों, ये कौन सा केस था, फाइनल इमेज एट डी है, तो एम ई कितना हो जाएगा 1 + d / f, वीओ की वैल्यू बोलो, वीओ की वैल्यू बोलो, ये रही 10, यूओ की वैल्यू बोलो, ये कितनी निकाली 2.5, 1 + d कितना होता है 25, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी है 6.25, खत्म सवाल, 2.5 × 4 हो गया 4 × 6.25, 00 लगा लो, 25 × 1 = 100, 25 × 25 = 25 = 4, 4 + 1 = 5, 4 × 5 आंसर आया कितना 20, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी 20, तो ये 20 गुना मैग्नीफाई कर देगा, और -20 भी लिखा हो सकता है क्योंकि उल्टी में जाती है, क्लियर हुआ, तो कैलकुलेशन की बात थी वो आप कर सकते हो, ये आपको समझ में आ गया होगा, फाइनल इमेज एट डी का केस 1 + d / f, बाकी वैल्यूज रखी, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डायग्राम बनाओ और बार बार डायग्राम बना के प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, अगला लेक्चर लाएंगे टेलीस्कोप पे, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।